नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए मृणाल पांडे की फेमस शॉर्ट स्टोरी गर्ल्स की समरी लेके आया हूँ। ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, जिसमें लड़कियों के प्रति जो जेंडर बायस का मुद्दा है उसे एक्सप्लोर किया गया है। इस स्टोरी में तीन छोटी लड़कियां हैं जो लिंग भेद के शिकार के अलग अलग एटीट्यूड को दिखाती है। एक लड़की, एक नरेटर की मम्मी है जिसका नाम है लाली। इसकी सबसे बड़ी बेटी क्वाइट है और सबमिसिव है। वो इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में लड़की के रोल को बताती है। एक लड़की को हमेशा डोसाइल होना चाहिए, दब कर रहना चाहिए मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। दूसरी लड़की है जो कि इस स्टोरी की नरेटर है, वो रिबेलियस है, विद्रोही है। उसे अच्छी तरह से पता है कि लड़कियों के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यंगेस्ट लड़की जो है अभी बहुत छोटी है, उसे कोई समझ नहीं है कि अभी उसके आसपास क्या हो रहा है, तो इस तरह वो इनोसेंस और इग्नोरेंस को बताती है। नरेटर की माँ लाली जो है अभी वो प्रेग्नेंट है, उसका चौथा बच्चा होने वाला है। वो सोचती है कि इस बार मेरे एक लड़का पैदा होगा, वरना उसे दोबारा प्रेगनेंसी के पूरे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। लाली अपनी माँ के घर जाती है ताकि वहाँ डिलीवरी कर सके। उसके साथ उसकी तीनों लड़कियाँ जाती हैं। उनके मामा और मामी उन्हें स्टेशन पर लेने आते हैं। माँ जो है बच्चों की इनर फीलिंग का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो मिडिल लड़की को कहती है कि सारी समस्या की जड़ तू ही है। माँ हमेशा स्ट्रेस आउट और इरिटेबल रहती है। नरेटर कहती है तो माँ एवरीथिंग इन लाइफ इज ए प्रॉब्लम। माँ के लिए तो सारी जिंदगी में हर एक चीज़ ही समस्या है। नरेटर के की जो नानी है उसके घर में माँ जो है वो उसे आंटियों से, नानी से और नौकरानियों सबसे बड़ी सिंपैथी मिलती है। जो बुजुर्ग औरतें हैं वो हमेशा फीमेल चिल्ड्रन, बच्चियों की फीलिंग्स और नीड्स को निगलेक्ट करती हैं। अगर बच्चे कभी अपनी माँ के नज़दीक जाना चाहते हैं तो उनको कह देते हैं जाओ जाओ अभी इसको कोई रेस्ट करने दो, उसे तब तक तो रेस्ट करने दो जब तक ये यहाँ है। माँ हमेशा अपने जो एज ए वीमन जो अपने दुख हैं उनको हमेशा बताती रहती है और बिहेव करती रहती है कि जैसे उसकी तीनों लड़कियाँ हमेशा उसके घर में शर्मिंदगी का कारण बनती हैं। जब वो नानी के घर जाते हैं तो नरेटर को कहा जाता है कि ढंग से झुककर अपनी नानी के पैर छुओ। उसे कहा जाता है कि यू आर बोर्न ए गर्ल, तुम एक लड़की के रूप में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हें हमेशा अपनी पूरी लाइफ झुकना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो औरतों की कंडीशन को बताता है और बताता है कि इस पुरुष प्रधान समाज में एक औरत के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। बुजुर्ग औरत और उस नानी जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि काश लाली के एक बेटा पैदा हो जाए, यानी कि दूसरी लड़की का कोई स्वागत नहीं होगा। ना केवल आदमी हैं जो औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करते हैं, बल्कि औरतें भी, लड़की जो गर्ल चाइल्ड हैं, लड़कियों के ऊपर गुस्सा करती हैं और उनकी फीलिंग्स को सुनवाई नहीं करती है। नरेटर के अंदर एक सेंसिटिव पावर होती है जिससे वो लड़कियों के खिलाफ नेगेटिव ट्रीटमेंट को समझ जाती है और वो जेंडर सेंसिटिव इश्यूज और क्वेश्चन उठाती है। रात को नानी के घर पर जो औरतें हैं वो इकट्ठी होती हैं और वो औरतों के दुखों के बारे में अपनी कंसर्न, अपने दुख बताती हैं। छोटी लड़की अपनी नानी को, आंटी को रोता हुआ सुनती है और कहती है कि मैं जो है घर में मुझे उतनी भी इज्जत नहीं मिलती जितने घर में एक कुत्ते को इज्जत मिलती है। वो अपनी माँ का रिस्पॉन्स सुनता है कि हम सबको ऐसे ही सहन करना पड़ता है, बस सहन ही करना पड़ता है। जब नरेटर इस इंसिडेंट को सुबह इनडायरेक्टली बताती है तो उसे उसकी माँ पीटती है। मदर उसके साथ लगातार गुस्सा रहती है। औरतों के जो डबल स्टैंडर्ड है लड़कियों के खिलाफ, इसलिए जो छोटी लड़की है वो घर के बाहर बैठ जाती है। वहाँ वो क्या देखती है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं।
तो वो विश करती है कि काश मैं भी एक पक्षी के रूप में पैदा होती। ग्रैंड मदर नानी जो है वो अपने ग्रैंड सन के लिए प्रेफरेंस दिखाती है। जब अष्टमी का त्यौहार आता है, दुर्गाष्टमी का, तो छोटी लड़कियों को दुर्गा को देवी के रूप में पूजा जाता है। जब बाकी सारी लड़कियां तो शांति से बैठ जाती हैं, पर नरेटर जो है वो इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। औरतों के लिए, बच्चियों के लिए जिंदगी में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसे देखते हुए वो कहती है कि मेरी देवी के रूप में पूजा मत करो। वो बोलती है कि जब तुम लोग लड़कियों को प्यार नहीं करते तो क्यों तुम उनकी पूजा करने का बहाना करते हो। वो कहती है कि मैं एक देवी नहीं बनना चाहती। हालांकि ये स्टोरी जो है एक छोटी लड़की के दृष्टिकोण से बताई गई है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो कुछ ऐसे इशू उठाती है जैसे कि जेंडर इनजस्टिस, जो ना केवल लड़कियों के खिलाफ है बल्कि वो ग्रोन अप वीमेन के खिलाफ, जो बड़ी औरतों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी बताती है। अडल्ट औरतें जो हैं वो इस पैट्रियार्कल समाज में डिस्क्रिमिनेशन की शिकार हैं। ये औरतें आगे और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड की इमोशनल नीड को नहीं समझती है। वो इससे गर्ल चाइल्ड क्या है, वो अब्यूसिव टेम्पर और इनटॉलरेंस की टारगेट बन जाती है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।